हे दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप किस टाइप से लिखें कि टीचर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे। तो चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। हे दोस्तों, इस तरह की और वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, चाहे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, या फिर सीबीएसई बोर्ड, या फिर आप कोई भी बोर्ड से हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलती रहेगी इस चैनल पर। सो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन चला। दोस्तों, क्वेश्चन आती है दो टाइप की, एक आती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक आती है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो आपको पता ही होगा, अगर आपको आंसर नहीं पता ऑब्जेक्टिव का, तो आपको जो मन में आया वो मार दिए टिक। और फिर सब्जेक्टिव में आते हैं। सब्जेक्टिव आज का मेरा मेन टॉपिक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे लिखें। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में या तो आपको हो सकता है उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, या फिर हो सकता है उस क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ी बहुत पता है। तो अगर थोड़ी बहुत भी उस क्वेश्चन के बारे में पता है, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, ताकि आपको टीचर बहुत अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। उस हम ऐसे टिप्स बता रहे हैं। सो आपको करना क्या होगा, सो जैसे क्वेश्चन आया, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, उसमें आपको 1 पेज या 1.5 पेज, 2 पेज आपको लिखना होता है। तो उसमें कैसे लिखें, सो आप चैप्टर का, वो चैप्टर का तो आप क्लास ज़रूर किए होंगे या फिर नहीं भी किए होंगे, ठीक है। और जैसे आपको थोड़ा उस क्वेश्चन के बारे में पता है, तो आपको करना क्या है, उस क्वेश्चन को लेना है और उस क्वेश्चन को, ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर में आपको करना ये है कि आपको जो भी पता है 2 लाइन, उस 2 लाइन को आप, ठीक है, सबसे ऊपर आंसर के सबसे ऊपर में आपको लिखना है वो 2 लाइन, ठीक है। बहुत अच्छे से अच्छे लैंग्वेज में 2 लाइन लिख देना उसी उस बात को। और फिर उसके और आगे नीचे क्या लिखना है, तो नीचे में ये लिखना है, उस जो आप लिखे हैं जो चीज़, उस क्वेश्चन के बारे में आप कुछ भी रिलेटेड चीज़ लिख दीजिए। मतलब थोड़ी बहुत रिलेटेड होना चाहिए, मतलब आपको जो भी पता है उस क्वेश्चन के बारे में, या फिर उस चैप्टर में जो चैप्टर से वो क्वेश्चन आया है, उस चैप्टर के बारे में ही आप कुछ लिखते जाइए। और ठीक है, थोड़ा बहुत रिलेटेड होना चाहिए, और या रिलेटेड नहीं भी मिल रहा है, सो आप रिलेटेड बना दीजिए। इस टाइप से इतना तो नॉलेज होगा कि आप कैसे करके, नॉलेज इतना तो होगा ही कि कैसे आपको बना देना है उस रिलेटेड। और फिर करना क्या है, अब तो टीचर फर्स्ट 2 लाइन पढ़ा और लास्ट का लाइन पढ़ेगा, क्योंकि बीच का लाइन वो उतना पढ़ता नहीं है, क्योंकि एक्चुअली टीचर पढ़ना नहीं चाहता उतना लाइन। वो आपको फर्स्ट 2-3 लाइन पढ़ता है और फिर बीच का लाइन छोड़ देता है, कहीं कहीं पे पढ़ता है और कहीं कहीं पे नहीं पढ़ता है। सो आपको लास्ट लाइन फिर पढ़ता है। लास्ट लाइन आपको मेन इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि लास्ट लाइन में आके वो देखता है कि आपको कैसे, आप कैसे लिखें। और लास्ट लाइन अगर ख़राब निकला, तो उसे लगेगा ये पूरा क्वेश्चन आपका ख़राब है। सो आप लास्ट लाइन पे ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा इम्पैक्ट डालें, कि टीचर को लगे हाँ ये आंसर बहुत सही लिखा है। सो आप जो भी, मतलब आपको तो पता नहीं है कि लास्ट लाइन में क्या लिखे, आपको आंसर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, सो आपको करना ये है कि आप फर्स्ट 2 लाइन जो आप जिस टाइप से जो लिखे हैं ना, उसी को 2 लाइन को आपको उठाना है, और उसी 2 लाइन को आप अलग शब्दों में लिख देना है। इसमें लास्ट वाले लाइन में 2-3 लाइन में आपको उसी उसी टॉपिक को, मतलब उसी जो चीज़ लिखे हैं उसी को लेके लास्ट 2 लाइन में, 2-3 लाइन में आपको उसी को अलग भाषा में आपको लिख के वहीं लिख डालना है। और फिर उसे टीचर पढ़ेंगे तो होगा क्या, ये देखेंगे कि हाँ लास्ट लाइन भी बहुत अच्छे है, तो मतलब पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छा, पूरा आंसर बहुत अच्छा लिखा होगा। तो वो टीचर बहुत अच्छे से आपको मार्क्स दे देंगे, और एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा, ताकि आपको अगला क्वेश्चन में भी वो अच्छा मार्क्स देंगे। सो इस टाइप से आप आंसर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगी। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी आइडिया भी। सो मिलते हैं अगला वीडियो में एक और इसी तरह के टिप्स से। सो आप इस चैनल के साथ बने रहिए और